थोड़ा पानी पी लेते हो पहले। मम्मी बोलती है डेली 2 लीटर पानी पिया करो। नमस्ते, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, ये मेरा ही चैनल है, किसने हैक नहीं कर लिया। आज मैंने सोचा कि एक संस्कारी Q&A क्यों नहीं किया जाए, और सारे संस्कारी वाले क्वेश्चन ही मैं आंसर करूँगी आज। अश्लील वाले किसने पूछे नहीं। सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इट्स आस्क्ड बाय सृष्टि। हाय सृष्टि। ओके सृष्टि आस्क्स, हाउ वाज योर जर्नी फ्रॉम बीइंग अ गुड स्टूडेंट टू बिकमिंग अ डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर। फर्स्टली आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, मतलब मैं ठीक ठाक पढ़ाई में अच्छी थी, और मेरे फैमिली का काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस था मेरे से। माई मदर एक्सपेक्टेड मी टू बिकम गवर्नमेंट सर्वेंट, प्रॉबली शी वॉन्टेड मी टू गो फॉर बैंकिंग और फॉर UPSC और समथिंग लाइक दैट। माई ब्रदर थॉट आई विल बी गोइंग फॉर माई MBA। मेरे पापा को लगा था मैं उनका बिजनेस संभालूंगी, बट मैं बन गई डिजिटल क्रिएटर। And the journey, it was the most unexpected thing. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं डिजिटल क्रिएटर बनूंगी। मेरे को पता भी नहीं था ऐसा कोई प्रोफेशन भी होता है। आई जस्ट स्टार्टेड ऑफ बिकॉज ऑफ माई लव फॉर एक्टिंग। मेरे को बचपन से एक्टर बनना था, बचपन से नहीं, मैंने टीनेजर से मेरे को एक्टर बनना था। तो वो एक्टिंग करते करते, वीडियोज़ बनाते बनाते बस हो गया। 3 साल लगे, बट हाँ हो गया। सो या आभा मेरे को पूछ रही है, हाउ डू यू बी कंसिस्टेंट इन मेक योर कॉन्टेंट। फर्स्टली आभा थैंक यू सो मच मेरे को सुबह वर्कआउट करवाने के लिए। ओके, अबाउट कॉन्टेंट, कंसिस्टेंट तो मैं एकदम नहीं हूँ, कतई नहीं हूँ मैं। मेरा क्या है ना, मैं जब वीडियो बनाती हूँ एक दिन, मैं बहुत सारे बना लेती हूँ, लाइक एटलीस्ट जो मेरा 3-4 दिन चल जाए मेरा काम। बिकॉज ऑनेस्टली आई डोंट लाइक डूइंग मेकअप एवरी सिंगल डे। मेरे को बहुत टास्क लगता है मेकअप करना डेली, एंड ड्रेसअप डेली, एंड शूट डेली। तो आई प्रेफर डूइंग इट एक दिन में पूरा कर लो 3-4 दिन, ताकि 3-4 दिन में एकदम रिलैक्स होकर रह पाऊँ। अगेन जब मेरा स्टॉक ख़त्म हो जाता है मैं वापस शूट करती हूँ। सो दैट इज़ माई सीक्रेट, इट्स नथिंग ऑफ कंसिस्टेंसी। बट या बेस्ट थिंग हैपेंड इन 2020 तो सबके लिए काफ़ी डिज़ास्टर था। एवरीबडी लॉस्ट समबडी, इवन आई लॉस्ट समबडी। बेस्ट थिंग तो ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ 2020 में। इट वॉज मोर ऑफ अ ईयर ऑफ सफरिंग एंड लॉस। बट आउट ऑफ एवरी थिंग, इफ आई वॉन्ट टू पॉइंट आउट समथिंग गुड, इज दैट आई फिगर्ड आउट दैट आई कैन डू कॉमेडी एंड आई कैन क्लिक सेल्फ पोर्ट्रेट्स। बहुत जल्दी क्वेश्चन पूछा। द क्वेश्चन इज, आर यू इन अ रिलेशनशिप विद सृष्टि? नो हेट, यू गाइज आर क्यूट, लव लव लव। And no, I'm not in a relationship with Srishti. Srishti is a very good friend of mine. और मैं उसको रोज़ फ़ोन करके तंग करती हूँ, अपने दुखड़े सुनाती हूँ। तो शी इज़ माई दैट फ्रेंड जिसको मैं जाकर दुखड़े सुनाती हूँ। एंड आई नो आई लुक क्यूट विथ एवरी गर्ल, एवरी अदर गर्ल, सो दैट्स जस्ट माई थिंग। बट सैडली नो, आई एम एंड Srishti आर नॉट डेटिंग। Srishti इज़ वेरी वेरी मच स्ट्रेट, वेरी वेरी मच स्ट्रेट। सो I would love to date Srishti, but वो possible नहीं है। तो next question is, when did you realize you're bisexual? Okay, again this is a very most commonly asked question. People ask me कि आपको कब समझ में आया कि आप bisexual हो? I realized it recently only, very recently. Till date I've never dated any girl. ऐसे मतलब ऑल माई पास्ट रिलेशनशिप हैज़ बीन विद मैन, बट समवेयर आई ऑलवेज यूज टू फील दैट आई हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग विद वेमेन। आई स्टिल फील वेरी सेफ एंड सिक्योर इमोशनली विद वेमेन, एंड आई थिंक आई कैन कनेक्ट वेल विद वेमेन। सो अ पार्ट ऑफ मी वॉज ऑलवेज इन दिस क्वेश्चन कि मतलब वाई इज़ इट लाइक दिस, वाई। सो आई
मैंने थोड़ा फिगर आउट करने का कोशिश किया एंड आई केम टू दिस कंक्लूजन दैट प्रॉबली आई एम बाइसेक्सुअल, मे बी दैट इज़ वाई. मतलब मैं हमेशा से ये सोचती रहती हूँ या सोचती रहती थी, और मैं बहुत मजाक भी करती थी अपनी मम्मी के साथ. मेरी मम्मी तो अभी सोचते मैं लेस्बियन हूँ हरकतों की वजह से मेरी, बट तो दैट इज़ द थिंग. बट इन फ्यूचर आई वुड लव लव टू डेट सम गर्ल एंड explored it even more because I haven't been fortunate enough to experience that side of my sexuality yet. So I would love to do it. So any single girls, you can DM me. Okay, next question is your best memory with your dad. I actually don't remember my childhood that much. I don't know why, probably because of my anxiety issues. But my childhood is blank to me. But it comes back in episodes. And I used to be my daddy's little girl when I was a kid. मतलब ऐसा सीन था कि मैं वो कुछ बोलने से पहले I used to get it. I used to be that pampered as a kid. मैं मेरे को बोलना भी नहीं पड़ता था. आई यूज़ टू गेट इट. आई मिस हिम. आई डू मिस हिम. इट्स गोइंग टू बी 5 months दैट ही इज़ नॉट विद अस एंड आई डोंट वांट टू डू दिस ऑन कैमरा. बट आई स्टिल फील इज़ देयर. Probably not living with us, but living somewhere else. But he's there. And but he's also there in this room. He's right there. And basically this room is used to be his place only. Like he used to stay the whole day in this room. So probably he watches me. And he's probably watching me making this right now. So probably he might not be there with us physically, but he's always there with us. I need to go and redo my makeup. I'm so sorry. Good to go. Again, it's a very much asked question. What happened between you and, I'm not going to take the name, I don't think it's right to do it. You never told your fans, like, why did your friendship break and everything. I did mention it quite a few times, but I'm doing it once and all for all, for like on record on camera. Next time mereko koi puchoge main link de dungi YouTube pe chal lena. So yes, that person was my best friend back in 2018. I know her since 18 June 2018, and the time we have spent together, 1.5 years, that was like one of the most beautiful time of my life. She was my bestest friend at that moment, and the thing she has done for me, I'm never ever going to take it away from her. The fact you can see I can do makeup at the moment is because of her. She taught me the basics of makeup, and she used to pamper me like this sister of hers and everything. And and whatever we shared throughout that time span will always, always remain close to my heart and will always be special to me. But after saying that, there are times when, you know, jab do insaan, they're growing up themselves, sometimes they grow apart. And it's absolutely normal. It's koi hard and fast rule nahi ki achha ye insaan tumhara dost hai to sari zindagi dosti rahegi. It's fine. People grow apart. People change with time. मैं भी बहुत बदल चुकी हूँ. So it's that. It's just time and circumstances where we couldn't be friends anymore, and it's absolutely fine. And I'm super, super, super happy that she is successful. She is happy. She is getting to live the life she always wanted to live, and I'm super, super proud of her, and I'll always be. And Calcutta mein ek insaan hamesha khush rahega.
ये जान के कि बाहर एक इंसान बहुत ज़्यादा खुश है, सक्सेसफुल है. व्हाट्स योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस? व्हाट मेक्स यू कीप गोइंग? माय स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आई थिंक बोथ इज़ द फैक्ट दैट आई एम इमोशनल. आई थिंक इट्स माय स्ट्रेंथ एंड इट्स माय वीकनेस. इट्स माय स्ट्रेंथ बिकॉज मैं हर चीज़ फील कर सकती हूँ. आई कैन फील एवरी इमोशन. एंड इट्स अ वीकनेस फॉर मी बिकॉज इट अफेक्ट्स मी वेरी मच. कोई इंसान अगर स्लाइटली डिफरेंट टोन में मेरे से बात कर देता है तो मेरे को समझ आ जाता है कि ये इंसान मेरे से अलग क्यों बात कर रहा है. मेरे को बुरा लगने लगता है. तो या इट्स बेसिकली अ कर्स एंड अ ब्लेसिंग फॉर मी, क्योंकि आजकल के ज़माने में वेयर एवरीबडी इज़ इमोशनली अनअवेलेबल, इमोशनली नॉट देयर, पीपल डोंट फील थिंग्स. Probably this generation feel it's very cool to not feel things, but I want to feel every single thing, every single emotion. So yeah, and also the fact that I'm very short tempered, that is also one of my weakness. I'm working on it, trying to. मतलब मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा चढ़ जाता है, but उतनी जल्दी मैं शांत भी हो जाती हूँ. But जब चढ़ जाता है ना उसके बाद I just go. And what makes me going is the fact that I बहुत सारे सपने हैं यार ज़िंदगी में. बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सपने पूरे करना है, बहुत सारे लोगों को गलत प्रूफ करना है. जिन लोग ने कभी साथ नहीं दिया, हमेशा अभी भी टॉन्ट मारते रहते हैं, बात सुनाते रहते हैं कि what do you do, oh you're a model and this and that. So अभी भी because people are not very much aware of this profession till date. Abhi bhi it's very difficult to make people understand what I do. So bahut logo ko bahut kuch prove karna hai aur sabse upar khud ko prove karna hai ki yaar main kuch hu zindagi mein, main bhi kuch kar sakti hu, main bhi kuch ban sakti hu. So yeah, that whole thing gets me going every single day ki ha karna hai yaar, kuch better karna hai, kuch acha karna hai, लोगों को खुश करना है. लाइक आई डोंट थिंक एनी थिंग इज मोर ब्यूटिफुल दैन पुटिंग स्माइल ऑन पीपल्स फेस. एंड आई ट्राई टू वर्क एवरी सिंगल डे एंड मेक श्योर दैट इट इज डन. सो ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स. मतलब अभी चल रहा 2021, मतलब 2031. अगर हम लोग ये पैंडमिक सर्वाइव कर जाए और सब कुछ ठीक रहे और सब अपोकैलिप्स जो सब ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, जो हो रहा है अभी, क्या क्या आएगा अभी पता नहीं. इफ़ आई गेट टू सर्वाइव एवरीथिंग एंड लिव फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, वन थिंग फॉर श्योर विच आई वॉन्ट टू डू इज़ आई वॉन्ट टू बाई बैक माई ओल्ड हाउस. दिस मतलब ये नहीं, इसके पहले वी यूज़ टू सी समवेयर एंड वी हैड टू सेल दैट प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ सम रीज़न. एंड मेरा बहुत बहुत दिल की ख्वाहिश है कि आई गेट दैट प्लेस बैक, आई बाई दैट प्लेस बैक एंड गिफ्ट टू माई मॉम. एंड शी रियली डजंट लाइक दैट प्लेस एनी मोर, बट मेरा एक है मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू बाई बैक माई हाउस. सो प्रॉबली 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई विल बी एबल टू बाई दैट हाउस. प्रॉबली आई विल बी सेटल्ड विथ द लव ऑफ माई लाइफ. एंड एक थिंग वो तो होगा ही होगा, मेरे को पता है, वो एक फ्लोर उस घर का होगा जहाँ पे सिर्फ डॉग्स रहेंगे. कैट्स भी रह सकते हैं, आई डोंट माइंड, बट आई लव डॉग्स मोर देन कैट्स. सो डॉग्स ज़्यादा रहेंगे, कैट्स थोड़े कम रहेंगे. प्लीज़ मेरे को अनफॉलो मत कर देना, ये वीडियो देखते मेरे को बहुत लग रहा है यार, लोग कर देंगे. Have you ever been body shamed for being too slim or for your uneven teeth? Definitely. कोई भी फैमिली फंक्शन में जाती हूँ मैं मेंटली प्रिपेयर होकर जाती हूँ कि आज तो मेरा बॉडी शेमिंग होगा. मतलब आई हैव नेवर बीन कॉल्ड आउट फॉर माय टीथ बाय एनी ऑफ माय रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स, बट या फॉर माय बीइंग स्किनी आई हैव बीन. बहुत लोग बोलते हैं यार तुम इतनी पतली क्यों हो, खाना नहीं खाती हो, ये करते हैं मेरे साथ. सो दैट इज़ देयर. अनइवन टीथ का आई हैव बीन बुलीड ऑनलाइन. मेरे को बहुत लोग ने कमेंट्स में लिखा है कि ब्रेसेस लगवा लो, ये मैं लगवा लूँगी ब्रेसेस, तुम पैसे दे दो मेरे को. नहीं है, पर बहुत एक्सपेंसिव होता है पता है, ब्रेसेस लगाने के 2.5-2 लाख लग जाते हैं. आइडिया है तुम लोग को?
तुम पैसा दे दो मेरे को, मैं कल ही जाके लगा लूंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. बट हाँ, आई हैव अ मेड. हाँ, सो बेसिकली दैट्स अ रैप ऑफ टुडेज वीडियो. आई होप मैंने सारे आंसर्स मतलब सारे आंसर्स ऑब्वियसली मैं कवर नहीं कर पाई, बट द वंस आई लव्ड आई आंसर्ड. बहुत फिलोसॉफिकल थे कुछ, बट अगर आपने एंड तक वीडियो देखा, थैंक यू सो मच. एंड मैं पार्ट टू बनाऊंगी कभी इन द फ्यूचर, बट प्लीज़ ड्रॉप इन योर कमेंट्स एंड वट एवर यू फेल्ट अबाउट दिस वीडियो. एंड डोंट फर्गेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.